कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी के द्वारा नित्य नए नवाचार का शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ नया किया जाता रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के द्वारा गांव में पड़े अनुपयोगी शासकीय भवनों का उपयोग जनहित में हो सके इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत होने वाले राशन वितरण जो कि प्राइवेट दुकानों में संचालित हो रहा था उन सभी दुकानों को शासकीय भवनों में शिफ्ट करने के आदेश दिए। दुकान प्राइवेट होने में संचालित होने में चोरी की संभावना ज्यादा रहती थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन सही समय से वितरित नहीं हो पाता था। गांव में निर्मित शासकीय अनुपयोगी बिल्डिंग को गांव के लोगों के द्वारा कब्जा करने की शिकायतें मिलती रहती थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन समुचित रूप से वितरण न हो सके गांव में पड़े शासकीय अनुपयोगी भवनों का उपयोग राशन की दुकानों को इन भवनों में संचालित करने के निर्देश कलेक्टर महोदय के द्वारा दिए गए। इस क्रम में SDM पिछोर JP गुप्ता के द्वारा लगभग एक दर्जन दुकानों को प्राइवेट भवनों में संचालित थी उनको शासकीय भवनों में शिफ्ट किया गया है। राशन की दुकान शासकीय भवनों में संचालित होने से राशन वितरण में अनियमितता होने की संभावना नग्न हो जाएगी और शासकीय अनुपयोगी भवनों अवैधानिक कब्जा भी नहीं हो पाएगा। शासन को किराए की बचत होगी और राशन वितरण प्रणाली में सुविधा की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया। पाल, अनवजन आदिवासी अनीसा जाटव, नमिता परिहार, नीतू रजक, रश्मि आदिवासी, सिरकू आदिवासी, लखन आदिवासी, कुसकिया साहू, गुड्डी सेन, मुन्नी भाई प्रजापति, मीना आदिवासी, इनमें से कोई है यहाँ? सिरकू नहीं है क्या? सिरकू जी है, सिरकू है सर। तुमने अपना नहीं बनवाया अभी आयुष्मान कार्ड? इधर हो जाओ, इधर आ जाओ। आयुष्मान कार्ड के लिए तो बाहर आ तो बाटे में गया अहमदाबाद था सर। सिरकू आदिवासी जी है तो बनना है, कार्ड बनना है, आदिवासी आए कार्ड बन गया सर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रमाण पत्र बनवाऊंगा, कागज लेता हूँ, आधार कार्ड वगैरह का। सेक्रेटरी साहब कहाँ है? भैया सेक्रेटरी साहब कहाँ है? सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहब प्रीति जाटव चले जाओ, सुवानी पर बता दी डेरा बंस का।